मैं हिंदुस्तान हूं, हिमालया मेरी सरहदों का निगहबान है, गंगा मेरी पवित्रता की सौगंध। तारीख की इब्तिदा से मैं अंधेरों और उजालों का साथी हूं, और मेरी खाक पर संगे मरमर की चादरों में लिपटी हुई ये इमारतें दुनिया से कह रही हैं कि जालिमों ने मुझे लूटा और मेहरबानों ने मुझे संवारा, नादानों ने मुझे जंजीरें पहना दी और मेरे चाहने वालों ने उन्हें काट फेंका। मेरे इन चाहने वालों में एक इंसान का नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। अकबर ने मुझसे प्यार किया, मजहब और रस्म व रिवायत की दीवार से बुलंद होकर इंसान को इंसान से मोहब्बत करना सिखाया और हमेशा के लिए मुझे सीने से लगा लिया। ये शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का महल है, और अब इसके दरो दीवार में गुजरे हुए दिनों के कुछ अफसाने रहते हैं। आज से 380 बरस पहले इस अजीम शान महल के आराम और आसाइशों से दूर, धूप और गर्मी से तपते हुए इस रेगिस्तान में, अंगारों की मानिंद जलती हुई रेत पर ये नंगे पांव चलने वाला तन्हा इंसान अकबरे आजम है। इन आंखों की मायूसी कह रही है कि इन्होंने अभी तक औलाद का मुस्कुराता हुआ चेहरा नहीं देखा। औलाद की आरजू में अकबर के लड़खड़ाते हुए ये कदम हजरत शेख सलीमुद्दीन चिश्ती के आस्ताने की तरफ बढ़ रहे हैं, इस उम्मीद पर कि उनकी बाबरक दुआओं से खुदा ताला अकबर को बेटा अता फरमाएगा। शाही जुलूस के इस लाओ लश्कर में पैदल चलने की मन्नत तन्हा अकबर आजम की है। आखिर मंजिले मकसूद आ पहुंची, और उस शहंशाह ने जिसके आगे सारी दुनिया झुकती थी, एक फकीर की सरकार में अपना सर झुका दिया। मांगने की तरह मांग, खुदा अपने बंदों की इल्तिजाएं कभी नहीं ठुकराता। दुआ के लिए हाथ उठा, फकीर तेरा साथ देता। शहंशाहों के शहंशाह, तूने इस हकीर बंदे को अपने खजाने से दुनिया की तमाम नेमतें अता की, जहां पनाह अर्ज लेलाही कहकर पुकारने वाली आवाजें सुनाई, और बाप कहकर पुकारने वाली आवाज भी सुनाते। ये दोनों जहान के मालिक, अकबर को दुनिया में बेनाम और निशान न बना। जोधा की गोद उसकी रहमत से आबाद होगी। दिल्ले इलाही को मुबारक हो, खुदा ने महारानी की गोद आबाद की। दिल्ले इलाही को चांद सा बेटा और मुगल सल्तनत को वलीहद मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह, तुम अकबर की मायूस जिंदगी में खुदा की रहमत का पैगाम लेकर आई हो। लो लो ये अंगूठी, बतौर निशानी अपने पास रखो। इंसाफ के इस मुकद्दस तराजू की कसम, अकबर से जिंदगी में एक बार जो मांगोगी अता किया जाएगा। वक्त गुजरता गया, और वक्त के साथ साथ नौखेज शहजादे की तबीयत की शोखियां जाहिर होने लगी। शहजादे,
तराजू आपके खेल की चीज नहीं। तो क्या ये जिन्ने लाई की खेल की चीज है? जी नहीं, ये मुकद्दस तराजू हजरत बाबर की यादगार और मुगल शहनशाहों के इंसाफ का निशान। बहुत खूब, ये लीजिए, आपको दरबार में यही कहना है, इसे याद कर लीजिए। क्या ये हुक्म है? जी नहीं, गुजारिश। तो फिर हम कोशिश करें। शहजादे की नाफरमानियां आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी और वो अदब और फरमा बरदारी की हदों से आगे बढ़ने लगा। इज्जत से ले जाओ, जमुना के लेरों में बाहर। ओ अल्लाह। और फिर एक दिन मुगलों का तारीखी विकार हिचकोले खाने लगा और सरशार सलीम के कदम लड़खड़ाने लगे। और अकबर आजम को हिंदुस्तान का मुस्तकबिल अंधेरों में डूबता हुआ महसूस हुआ। खुदा, हम रोजे बंद नहीं देखेंगे जिस दिन मुगलों की अजमत सिमट कर एक औबार शहजादे का खिलौना बन जाए। मान सिंह, इसके सर से मां के प्यार का रेशमी आंचल हटाकर इसे लोहे का खौद पहना दो। इसे ले जाओ और जंग के तपते हुए रेगिस्तानों की आंधियों में इसकी परवरिश करो। लो, हम आज मुगलों का मुस्तकबिल तुम्हारे हवाले करते हैं। सलीम ने आज हमारे खून का अदा कर दिया। सलीम, सलीम, मेरा बच्चा, मेरा लाल, मेरा बच्चा। हिंदुस्तान के अजीम शान मलिका। नहीं महाबली, एक माँ, सिर्फ माँ, और कुछ नहीं। हमें ये मालूम नहीं था कि महारानी जोधा एक कमजोर मां के हाथों इतनी मजबूर हो सकती है, अपने विकार को भूल सकती है। उफ महाबली, ये मुगलों की कैसी राजनीति है जो उस मां को तड़पने भी नहीं देती, रोने भी नहीं देती जिसके बेटे का लहू इस बेदर्दी से लुटाया जा रहा है। उसे तड़पने दीजिए लेकिन रोने ना दीजिए। वो सब माएं भी अगर आपकी तरह रो पड़ी जिनके बच्चे आपके बेटे के साथ मैदान जंग में हैं, तो हिंदुस्तान आंसुओं में डूब जाएगा। इस जरा बख्तर के बराबर जवाहरात तोलकर गरीबों में तकसीम कर दिए जाएं। ज्यादा बरस तक जंग के तपते हुए रेगिस्तानों की आंधियों में सलीम ने परवरिश पाई और अंजाम का वो एक फातिह सिपहसालार बन गया।
साहेब आलम के जख्म अभी तक नहीं धोए गए? अंदर जाने की इजाजत नहीं। जर्रा इजाजत का मंतजर है। शहजादे क्या जख्म धोए नहीं जाएंगे? ये जख्म नहीं फूल हैं दर्जन, और फूलों का मुरझाना बाहर की रुसवाई है। सुनो, ये कातिल ही नहीं दिलदार भी है, ये शाख गुल भी है तलवार भी है। जो मिजाज 14 बरस तक खून की वर्षा में नहाता रहा, वो आज भी कविता में रचा हुआ है। कितनी हैरत की बात है। इसमें कोई हैरत की बात नहीं। अगर उमर खय्याम की रुबाई सुनहरे वक्त की बजाय पथरीली जमीन पर लिख दी जाए तो क्या उसके मानी बदल जाएंगे? नहीं। तो फिर तुम्हारे महाबली ने हमारे लिए जो कुछ भी सोचा है गलत ही सोचा है। खून में डूबी हुई मेरी जवानी का एक एक वक्त क्यों भेज दे? जीरा बख्तर के बदले खाक और खून में तड़पते हुए मेरी जिंदगी की पूरी दास्तान जिल्लेलाही की नजर कर दीजिए। शहजादे की जिंदगी की दास्तान महाबली के हुजूर में संभाल कर ले जाने वाला मेरे सपूत से बढ़कर कोई नहीं। तुम इसे पहुंचाओ दुर्जन। महाबली का इकबाल सलामत रहे। साहेब आलम ने एक बार फिर फतह का झंडा गाड़ दिया। इस फतह को हासिल करने के लिए तुम्हारे साहिब आलम ने खुद कितने जख्म खाए? बेशुमार सैकड़ों तलवारें साहिब आलम के जिस्म पर पड़कर कुंद हो गईं। हर बार दुश्मन की तलवार चमककर शाहजादे की हिम्मत और अकबरी खून की दाद देती थी। हम सलीम का जरा बख्तर मुलाहजा करेंगे। जरा बख्तर के बजाय साहिब आलम ने महाबली के हुजूर में यह पैगाम भेजा। बाबा बुलंद पढ़ा जाए। प्रणाम ताजदार हिंदुस्तान शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। लीजिए यह आपके अज़ीमुश्शान वलीअहद के खून से सींची हुई एक एक का जमीन का हिसाब है। 14 बरस तक जंग के शोलों में लिपटी हुई यह जमीन मेरी रगों से आपका लहू चूसती रही। जंग की आग तो ठंडी हो गई लेकिन आपके सलीम की रगों में अभी खून बाकी है। हुक्म हो तो दक्कन की चटियल और संगलाफ वादियों को अपने खून से दुल्हन बना दूं। आपका फरमाबरदार सलीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज सलीम अकबर का जानशीन बन गया। मेरे हद शहजादा नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम की खिदमत में फरमान इरसाल कि पायतख्त की तरफ कूच करें। महाबली को साहब आलम की वापसी मुबारक हो। चुप खड़े हुए सोच क्या रहे हो भगवान? सलीम की सूरत दिखा दो। जिले इलाही ने दुर्जन सिंह को हुक्म दिया है कि साहेब आलम को जल्द से जल्द अपने साथ लेकर वापस आए। के लिए हंसी का संदेशा लेकर आई है। मैं तेरा मुंह मोतियों से भर दूंगी। ये कम है महारानी, मैं चाहती हूँ साहेब आलम मोतियों पर चलकर आए। ये भी कम है बहार, मैं सलीम के नाम पे तुझे हर बात का अधिकार देती हूँ। मेरा बच्चा परसों के बाद घर वापस आ रहा है। मैं महाबली से कुछ दिनों के लिए उसे मांग लूंगी। उसने बाप की राजनीति देखी, माँ का प्यार नहीं देखा। जा राजनर्तकी से कह दे कि पायल की मधुर झंकारों से सवार कर ऐसे नाच तैयार करे जिनकी सुंदरता सलीम की आंखों से रणभूमि के चित्र मिटा दे। और तू तानसेन को हमारा संदेश दे, सलीम के स्वागत के लिए ऐसी मधुर रागिनियां बनाए जिनकी रसीली ताने उसके कानों से तोपों की गरज भुला दे। बाहर जा, बाहर उसके लिए बसंत ही बसंत खिला दे। मेरे जान के लिए हजारों जान जगमगा दे। जिस जगह पांव रखे आकाश से तारे निछावर हो,
जहां तक उसकी नजर जाए स्वर्ग ही स्वर्ग हो और वो सब कुछ बाहर जो मैं चाहती हूँ लेकिन कह नहीं सकती। हे ईश्वर वो शुभ घड़ी जल दिखा जब मेरा लाल मेरे आंखों के सामने हो और कुछ देर के लिए मैं तुझे भी भूल जाऊं। संतराज संतराज महलों की बहार एक वीराने में साहेब आलम के लिए पत्थर का एक मुजस्मा लेने आई। मेरे बनाए हुए मुजस्मे शाहजादों और बादशाहों को पसंद नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ये सच बोलते। ये देखो ये शहंशाह का दरबार है। शहंशाह की जबान से निकला हुआ हर लफ्ज इंसाफ जिसकी कोई फरियाद नहीं। और यह है मैदान जंग लाखों बेगुनाह इंसानों का खून और एक इंसान की बदा। और यह है सच बोलने का अंजाम सजाए मौत। ये सच नहीं संतराज एक फनकार का तंज है एक शिकायत है। यानी अक्ल तुम्हारे फन की खूबसूरती को मानती है दिल नहीं। वो तीर ही क्या संतराज जो दिल के पार ना हो वो बुत ही क्या जिसके आगे मगरूर सर खुद ब खुद ना झुक जाए। तो फिर मैं एक ऐसा बुत बनाऊंगा जिसके कदमों में सिपाही अपनी तलवार शहंशाह अपना ताज और इंसान अपना दिल निकाल कर रख दे। ताज दूसरों के हाथों पहना जाता है। हाथ दूसरों के होते हैं लेकिन हिम्मत अपनी होती है। कोई आना जाए बाहर क्या तुम्हें खौफ नहीं? खौफ ताज उन सरों पर नहीं रहता जिनके करीब खौफ आ जाए। तुम एक शानदार मुल्क की मलिका बनना चाहती हो न जाने कितनी लड़कियां ये ख्वाब देख रही होंगी। उन्हें ख्वाब देखने दो तुम मेरी आंखें देखो। जैसे किसी शराबी ने पैमाने के बदले तलवार उठा ली हो। क्या आसमान से तारे तोड़ने का इरादा है? कभी कभी तारे खुद टूट कर जमीन पर गिराते हैं मगरूर शहजादों के लिए एक झुकी हुई नजर ही काफी होती है। महारानी को बधाई हो सुबह होने में एक पहर बाकी है। कनीज रात घड़ी का आखिरी मोती पेश करती है। इस मोती की कीमत अदा की जाए। बेटे का स्वागत जंगी लिबास में करेंगे? हम अपने बेटे का नहीं हिंदुस्तान के मजबूत सिपाही का इस्तकबाल करने जा रहे हैं। महाबली मैंने सलीम को बचपन से जवानी तक पढ़ते नहीं देखा उसे एकदम मेरी नजर के सामने न लाइएगा। Thank you.
साहिब आलम की तशरीफ आवरी मुबारक हो, वो किले में दाखिल हो चुके। कनीज की अर्ज है नजर उतार दी जाए। जिले इलाही ने खुद बढ़कर इस्तकबाल किया। साहिब आलम मुजरे के लिए झुकने भी ना पाए थे कि जिले इलाही ने उन्हें गले से लगा लिया। साहिब आलम दीवाने खास से गुजर रहे, कनीज ने उन्हें बहुत करीब से देखा। कदम कदम पर हजारों फूल निसार हो रहे हैं, लेकिन वो शाहाना बेनियाजी के साथ इस तरफ तशरीफ ला रहे हैं। जिले इलाही ने साहिब आलम को तना यहाँ आने की रुख्सत अता की। साहिब आलम तशरीफ लाते। सलीम, उफ, दुनिया खुशी में झूम रही है या मेरी नजर कांप रही है? बाहर बाहर मुझे सहारा दे। परसों के बाद वो न जाने किस आवाज में मां कहकर पुकारेगा। ये नई आवाज मैं किस तरह सुनूंगी? ये शब्द कान के पर्दों से टकरा कर ममता की दुनिया में गूंज उठेगा। कहीं ये गूंज सुनकर मेरे दिल की धड़कने न रुक जाए। सलीम, इतने बड़े हो गए? मैं तुम्हारी सूरत दिल के करीब देखने की आदी थी। जरा झुको सलीम, जरा झुको। बड़े सुरमा हो गए हो तुम। कितनी बेदर्दी से मेरा खून मिट्टी में मिलाते रहे हो। ये न सोचा माँ के हृदय पर इन जख्मों को देखकर क्या बीतेंगे। कभी रणभूमि से माँ को आवाज देकर देखते, तलवारों की छनकारों से लोरियां गूंजने लगती। रणभूमि माँ की गोद बन जाती, लेकिन तुमने मुझे कभी न पुकारा। सलीम, मेरी जान, बाहर हटाने से मेरी नजर लग जाएगी। ज़ियारत को निगाहें मुंतजर हैं, कदम बोसी को राहें मुंतजर हैं। महाबली को नंदा
हमें देखकर ये कौन छुप गया है बाहर? छुपा नहीं, छुपाया गया है साहेब आलम। क्यों? तंगतराश का यह दावा है कि जब ये मुजस्मा बेनकाब होगा तो बेखौफ होगा। कहो, कभी कभी दावे दिलचस्प भी हुआ करते हैं। उसका यह दावा है कि इस मुजस्मे को देखकर सिपाही अपनी तलवार, शहंशाह अपना ताज और इंसान अपना दिल निकाल कर उसके कदमों में रख देगा। संतराज का दावा दिलचस्पी की हदों से आगे बढ़ गया है। हम उसके फन का गुरूर देखना चाहते हैं। महाबली का यह हुक्म है कि साहेब आलम इस मूर्ति को न देखे। क्यों? राजजोशी का यह कहना है कि आज रात चंद्रमा के ढलने से पहले शहजादे का किसी मूर्ति को देखना बुरा शगुन होगा। नकाब कुशाई कल सुबह महाबली के सामने होगी। संतराज का दावा, राजज्योतिषी का शगुन और इस मुजस्मे पर पड़ी हुई नकाब, हम सुबह का इंतजार कैसे करेंगे? दो जन संतराश का दावा यकीनन सही था। बेशक इस बेपनाह हुस्न की ताब पत्थर हिला सकता है। बुतों की खुदाई तस्लीम करने को जी चाहता है। साहिब आलम पर बुत परस्ती का इल्जाम लग जाएगा, मगर वफा परस्ती की दाद भी मिल जाएगी। मुजस्मा तैयार नहीं हो सका, कल सुबह फिर तुम्हें मुजस्मे की जगह खड़े रहना होगा। साहिब आलम ने मुझे देख लिया और तुम्हारे फन की दाद दी। इस दाद में छुपी हुई एक मोहब्बत भी है। मोहब्बत किससे? तुमसे। कनीज एक तजवीज पेश करने की इजाजत चाहती है। इजाजत है? अफसानों में है कि मुजस्मों की निकाब कुशाइयां तीरों से भी हुआ करती थी। ओह, तजवीज पसंद आई। शेख, अफसाने हकीकत में बदले जा सकते हैं। दिल्ली लाई हुक्म की तामीर होगी। जैसे किसी फरिश्ते ने आसमान से उतरकर संगे मरमर में पनाह ले ली है। कनीज फरिश्ता नहीं, इंसान है। मगर तुझे बुत बनने पर किसने मजबूर किया? आपकी सल्तनत के एक जिद्दी संतराश ने, जो गुमनामी के पर्दे से बाहर आना नहीं चाहता। संतराश का अनोखा फन यकीन दाद के काबिल है, लेकिन
तीर चलते वक्त तू खामोश क्यों रही? कनीज देखना चाहती थी कि अफसाने हकीकत में किस तरह बदलते हैं। बहुत खूब, हम तेरे हौसले की दाद देते हैं। रानी, आप इसे अपनी कनीजों में दाखिल कर दीजिए और हम इसे अनारकली का खिताब अता करते हैं। और कल कृष्ण जन्म के जश्न में अनारकली राधा के लिए मुनासिब रहेगी। शेखू, तुमने हमारे मुंह की बात छीन ली। Thank you.
क्या हुआ सुरैया? मोहब्बत हो गई है आपा। तुम्हें दीवानी, मुझे किससे मोहब्बत? जिन्हें तुमसे है। हाय अल्लाह, कौन? साहेब आलम। चुप सुरैया, अभी से हुकूमत करने लगी आपा, जब मलिका बनेगी। सुरैया, खुदा के लिए ऐसे ख्वाब ना दिखा जिनके देखने की एक कनीज कभी जुरत भी नहीं कर सकती। वो साहेब आलम है, हिंदुस्तान के होने वाले शहंशाह। तो क्या हुआ आपा? शहंशाह बेशक खास अल्लाह मियाँ के यहाँ से आते हैं, पर उनकी मलिकाएं तो कहीं से भी आ सकती हैं। नादान, जमीन को आसमान से क्या निस्बत? फिर क्या बनना चाहती हो? कनीज। मगर साहेब आलम की। फिर तूने उनका नाम लिया, कहीं किसी ने सुन लिया तो गजब हो जाएगा। ये मोहब्बत है बाकी, लोग आज नहीं तो कल सुनेंगे। जानती हूँ। फिर बदनामी से क्यों डरती हो? अपनी बदनामी से नहीं डरती, उनकी रुसवाई नहीं चाहती। वफाओं का यही हाल है तो हो चुकी तुमसे मोहब्बत। हिम्मत है तो उठो, चलो मेरे साथ। कहाँ? उनके सामने, जिनकी निगाहें तुम्हें देखने को बेताब है। अब मैं किसी की निगाहों का सामना नहीं कर सकती, मुझे इस हुजरे में बंद रहने दो। तुम बंद रहो, मुझ में तो इतनी हिम्मत है, मैं उनके सामने जा सकती हूँ। सुरैया। नादान, क्या तुमने हवास खो दिए हैं? साहेब आलम से यही तो पूछना है कि लोग उन्हें देख के हवास क्यों खो देते हैं। सुरैया, उनके हुजूर में तमन्नाएं भी गुस्ताख नहीं होने पाती। ये जब की बात है, जब उनके दिल में खुद कोई तमन्ना न थी। अब मोहब्बत ने इतना होश का रखा होगा कि वो गुस्ताखियों को महसूस कर सके। सुरैया, यहाँ क्यों आई हो? आ गई। किसकी इजाजत से आई हो? अपने दिल की। जाओ यहाँ से। नहीं जाती। आने दो दुर्जन, क्या चाहती हो? नहीं, देखने आई हूँ कि लोग आपको देख के होश हवास क्यों खो देते हैं। ये किसने कहा? नादरा आपा ने, जिसके होश हवास आपने लूट लिए हैं। गुस्ताख लड़की। मेरा नाम सुरैया है। तुम्हारी आपा भी तुम्हें सुरैया कहती हैं? पहले तो कहती थी। और अब? अब सब कुछ भूल के उनकी जुबान पे सिर्फ एक ही नाम रह गया है, साहेब आलम। अपनी आपा तक हमारा ये पैगाम पहुंचा दो। यूं खत का जाना खतरे से खाली नहीं साहेब आलम। मोहब्बत कीजिएगा तो दिल से डर निकल जाएगा। बाजी, अल्लाह ऐसे भी क्या बेख्याली। लो ये खत। खत कैसा? साहेब आलम का। हाय अल्लाह, अल्लाह को याद करोगी तो दूसरा खत आ जाएगा। लो संभालो, तड़प रहा है, शायद इसमें साहेब आलम का दिल है। अब ले भी लो। नहीं। वाह, दिल देने में देर नहीं और दिल लेने में इतनी देर। गमे फुरकत से दिल है बेआराम, रात दिन तुमको याद करते हैं,
आरज़ू में तुम्हारी। खुदा न करे मरते हैं। रात काटेंगे इंतजार में हम, मगरबी बुर्ज के किनार में हम, बंद करके कमल में खत का जवाब, नहर की राह भेज देना शिताब, भूल जाना न ए वफा की शमी, मुंतजिर है जवाब खत का। सलीम। वजह? इसलिए कि वो एक कनीज है और मैं बदकिस्मती से शहजादा। और दोनों सूरतें अपनी अपनी जगह अटल है, और हम इंसान हैं ये भी अटल है। तमाशा देखती रही और इश्क नगमों का सहारा लेकर अपनी हद से आगे बढ़ गया। साहिब आलम, आफताब की रोशनी दुनिया की हर गोशे को रोशन करती है। खुद आफताब ने क्यों तकलीफ की? ताकि इस महताब में जज्ब हो जाए। खुदा के लिए साहिब आलम शहजादगी को रुसवा न कीजिए। आप आका हैं, मैं कनीज। मैं आज बुलंदी और पस्ती की ये दीवार गिरा देना चाहता हूं। बैठ जाओ नारकली। साहिब आलम, आंखों में अपनी मोहब्बत का किरार देखना चाहता हूं। इन्हें न देखिए शहजादे, इनमें कनीज की सहमी हुई हसरतों के सिवा और कुछ नहीं। भूल जाओ कि तुम एक कनीज हो, और सलीम को अपनी आंखों में वो देख लेने दो जो तुम्हारी जबान कहते हुए डरती है। मेरी आंखों से मेरे ख्वाब न छीनिए शहजादे, मैं मर जाऊंगी। नारकली, मैं इन ख्वाबों को हकीकत में बदल दूंगा। नादिरा बेटी, उन्हें देख लेने दो। ये कनीज आपका फिराक बर्दाश्त कर सकती है, आपकी रुसवाई नहीं।
या लिसानुल गैब बताइए अब क्या होगा? दिल में रवत से दस्तम साहिब दिला खुदारा, दर्दा के राजे बिना ख्वाहिद शुद आशकारा। इस फाइल का मतलब क्या है बाजी? इसका मतलब, ऐ दिल वालो, दिल मेरे हाथ से चला, कहीं दिल में छुपा हुआ दर्द जमाने पे जाहिर न हो जाए। खुदा जाने तुम्हें क्या हो गया, अकेले में तुम्हारा जी भी नहीं घबराता, सब तुम्हें पूछते हैं। उठो चलो मेरे साथ। नहीं सुरैया, मैं डरती हूँ कहीं जमाने की निगाहें मेरे सोचने का राज मेरे चेहरे से न पढ़ ले। नादिरा, 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 तू ये काय किस तरह गुमसुम क्यों हो गई बेटा? कहीं आना जाना, लोगों से मिलना जुलना अगर छोड़ बैठेगी तो लोग कहेंगे खिताब से सरफराज होते ही मगरूर हो गई। अल्लाह, मजबूर को मगरूर कौन कहेगा? दुश्मनों की जबान कहीं रोकी जाती है? महलों की कहानियां तुम क्या जानो? आओ बाहर, जरा इसे भी अपने साथ रखा करो। आप फिक्र न करें, मैं इसे अपने साथ ले जाने के लिए हाजिर हुई हूँ। जियो बेटा, तो फिर संभालो इसे, मैं चली। अनारकली, तुम्हारा नया नाम कितना खूबसूरत है। हाँ, जैसे जलते और पिघलते हुए मोम का खूबसूरत नाम शमा है। जब शमा बन चुकी हो तो परवानों से क्यों दामन बचाती हो? कैसे परवाने? जैसे हम, कभी अपने हुजरे से हमारी महफिल में भी आओ। महफिल? आज की रात हमने बैतबाजी की महफिल आरास्ता की है, क्या ही अच्छा होगा, एक तरफ तुम होगी और एक तरफ मैं, और हमारी हार जीत का फैसला साहिब आलम के अख्तियार में होगा। आजमा कर हम भी देखेंगे।
करने वालों का है बस इतना ही अफसाना, तड़पना चुपके चुपके, आँख भरना, घुट के मर जाना। किसी दिन ये तमाशा मुस्कुराकर हम भी देखेंगे। तुम्हारा ख्याल इस फूल का मुस्तहिक है। तुम्हारा नजरिया ये है अनारकली, मोहब्बत हमने माना जिंदगी बर्बाद करती है, ये क्या कम है कि मर जाने पे दुनिया याद करती है। किसी के इश्क में दुनिया लुटाकर हम भी देखेंगे। तुम्हारे समय ये कांटे आए हैं। सही नसीब। कांटों को मुरझाने का खौफ नहीं होता। मानसिंह, ये क्या है? सूबे अजमेर के बंदोबस्त के कागजात महाबली के हुजूर। हमारे हुजूर में? जी हाँ। क्या राजा मानसिंह को मालूम नहीं कि हम अजमेर के सूबा वली अहद सल्तनत को अता कर चुके? मालूम है महाबली। फिर ये कागजात? मजबूरन यहाँ लाया हूँ। अगर अब इन पर हुक्म जारी न किया गया तो सूबे में बदअमनी फैल जाने का अंदेशा है। नौबत यहाँ तक पहुँच गई और आपने शहजादे को उसकी जिम्मेदारी का एहसास नहीं दिलाया? शहजादे के सामने कागजात कई बार पेश किए जा चुके हैं, लेकिन लेकिन क्या मानसिंह? मैं शहजादे की लापरवाही का सबब मालूम नहीं कर सका। मगर हम मालूम करेंगे। दुर्जन जाओ और सूबे अजमेर के हाकिम को हमारा पैगाम दो कि इन कागजात पर फौरन एहकाम जारी किए जाएं और उससे कहो कि हम इस कोताही और लापरवाही का सबब मालूम करना चाहते। ये भी कह दो और ये भी कह दो कि तुम्हारे बगैर सलीम की जिंदगी एक अंधेरी रात है। और ये भी तुम्हारे तसव्वुर में सलीम अपने आप को भूलता जा रहा है। और एक पैगाम है सुरैया। और महाबली का ये पैगाम है कि इन कागजात पर फौरन अहकाम जारी किए जाए। दर्जन, क्या मोहब्बत से दुश्मनी है जो यहाँ आए? आपसे दोस्ती है शहजादे। दोस्ती का निशाना किसी और को बनाइए, शायद आपको भी पैगाम आने लगे। खामोश रहो। मेरा नाम सुरैया है, आप भूलते बहुत हैं। साहिब आलम, मैं महाबली की आंखों में शोले देखकर आ रहा हूं। अब ये खतरनाक खेल खत्म कीजिए वरना दुनिया वालों की जबान पर आपके ये अफसाने आने लगे। आपा, आपा। क्या हो गया सुरैया? तुम मेरी तरफ देखते क्यों नहीं? मुझसे पूछते क्यों नहीं कि मैं कहां से आ रही हूं? तुझे तो मालूम है सुरैया, तेरी दीवानी आपा अपने ख्यालों में गुम रहती। तो फिर रहो अपने ख्यालों में गुम, मुझे फुर्सत नहीं मैं किसी के पयाम सलाम लाती ले जाती रहूं। मैं जा रही हूं। अरे ठहर तो, वो मिले थे? हाँ मिले थे। क्या कह रहे थे? आपा तुम कैसी दीवानी हो, मतलब की बात खूब समझती हो, जो मैं नहीं बताती। तुझे मेरी कसम, तू मेरा जनाजा उठाए। साहिबे आलम मुझे बाग में मिली थी, फिर चेहरे से मालूम हो रहा था कि रात भर सोई नहीं। मुझे देख के मुस्कुराए और पूछने लगी,
तुम्हारी आपा कैसी है? फिर मेरा हाथ अपने हाथों में लेके खुद ही कहने लगे, कह दो सुरैया कि मेरी तरह उनकी भी यही हालत होगी। तुमने क्या कहा? मैंने कह दिया और उन्होंने बढ़ के मेरी परेशानी चूम ली। फिर क्या हुआ? और कहने लगे, अपने आपा से कह दो आज शाम को जब राग सम्राट तानसेन अपनी रागनी छेड़े तो आके मुझसे मकरवी बुश में मिले। ये परेशानी चूम के तुम शर्मा क्यों गई आपा? कैसे लेके साहेब आलम ने भी? मैं भूल गई थी, कितने मजे की भूल। मगर साहेब आलम ने मेरी परेशानी दो बार चूमी थी। Yeah.
देख रहा है। जिस गुस्ताख ने इस वक्त यहां आने की जुरत की है वो हमारे महल में हाजिर हो। कनीज हाजिर। कनीज को खंजर की नाफरमानी पर हैरत और अपनी बदनसीब जिंदगी से शिकायत है। साहिब आलम, गुस्ताख खंजर को सुरखरू होने का एक मौका और दीजिए। कनीज के सीने में काफी खून है। बाहर शमा के सीने में क्या होता है? रात की खामोश दास्तानें और कुछ राज। और यही सबब है कि सुबह होते ही हर शमा हमेशा के लिए खामोश कर दी जाती है। साहिब आलम, तुमने भी एक राज जानने की कोशिश की है, तुम्हें भी खामोश करने की यही सूरत होगी। अब तुम जा सकती हो। अनार की कलियां। आजकल महल के चमन में अनार की इन कलियों पर बहार है जो अब तक जिलेलाही की निगाहों से महरूम है। अनारकली भी हमारी बारियाबी से महरूम है। हमारा थका हुआ दिमाग शायद उसके दिलकश रख से आराम महसूस करे। उसे हाजिर करो। वो इस वक्त हाजिर नहीं हो सकती। सबब? सलीम के पहलू में अनारकली हिंदुस्तान की मलिका होगी। पांव की खाक को सर का ताज ना बनाए। वो बन चुका अनारकली, मैं देख रहा हूं। अकबर आजम का हिंदुस्तान तुम्हारे इख्तियार में होगा। खुदा के लिए। हिंदुस्तान के इंसानों की तकदीरें तुम्हारे गेसुओं के हलके में घिर जाएंगी अनारकली। और फिर तुम जिधर मुड़कर देखोगी हजारों तकदीरें कांपती रहेंगी, मुस्तकबिल लरसते रहेंगे। की निगाह में इतनी बड़ी जुरत न कीजिए, मुझे जाने दीजिए। अगर जिल्लेलाही ने मुझे यहाँ देख लिया तो अनारकली की खबर आपकी आगोश में बदल जाएगी। मोहब्बत जो डरती हो मोहब्बत नहीं अय्याशी गुनाह है। Thank you.
कौन? अस बड़े आदम जिनके हुक्म से खुदा की बख्शी हुई सांसें भी सीने में घोंट दी जाती हैं। अदब से बात करो सलीम। एक बेरहम शहंशाह के कैदखाने में सलीम की अनारकली दम नहीं तोड़ेगी। मुझे इस परवाने आजादी पे उनकी मोहर चाहिए। अनारकली आजाद नहीं की जाएगी। क्यों नहीं की जाएगी? खामोश। एक शहजादे को अपना फर्ज नहीं भूलना चाहिए। वो कौन सा फर्ज है जो मोहब्बत को भी सीने में कुचल सकता है? महाबली का हुक्म तुम्हारा फर्ज है। ये फर्ज तो नहीं, एक शहंशाह के महल में पैदा होने की सजा जरूर है। लेकिन हमारी बख्शी हुई ये अजीमुशान सजा तुझे भगतनी होगी। तो फिर मासूम अनारकली को भी कैद करने के बजाय यही अजीमुशान सजा दीजिए। हमारे फैसलों पर तुझे कोई इख्तियार नहीं। लेकिन मुझे अपनी जान पर इख्तियार है। अगर अनारकली आजाद न की गई तो कैदखाने की ये रात अनारकली पर नहीं, अकबर आजम की सारी जिंदगी के मंसूबों पर भारी गुजरेगी।
हमें यकीन है कैद खाने के खौफनाक अंधेरों ने तेरी आरजुओं में वो चमक बाकी न रखी होगी जो कभी थी। कैद खाने के अंधेरे कनीस की आरजुओं की रोशनी से कब थे? अंधेरे और बढ़ा दिए जाएंगे, आरजुएं और बढ़ जाएंगी, और बढ़ती हुई आरजुओं को कुचल दिया जाएगा। और जिल्लेलाही का इंसाफ, हम एक लफ्ज सुनना नहीं चाहते। अकबर का इंसाफ उसका हुक्म है। तुझे सलीम को भूलना होगा। भूलना होगा? यकीनन। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसे यह भी यकीन दिलाना होगा कि तुझे उससे कभी मोहब्बत नहीं थी। जो जबान उनके सामने मोहब्बत इकरार तक न कर सकी हो वो इनकार कैसे करेगी? तुझे सलीम पर जाहिर करना होगा कि तेरी मोहब्बत झूठी थी। एक कनीज ने हिंदुस्तान की मलिका बनने की आरजू की और मोहब्बत का खूबसूरत बहाना ढूंढ लिया। ये सच नहीं है, खुदा गवाह है, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। लेकिन तुझे साबित करना होगा कि यही सच है। परवर्ती का मुझे इतनी हिम्मत अता फरमा कि मैं साहिब आलम से बेवफाई कर सकूं। कनीज जिल्लेलाही का हुक्म बचलाने की कोशिश करेगी। कोशिश नहीं, कामिल होगी। इसे आजाद कर दिया जाए। साहिब आलम, पहले कभी किसी ने अकबर आजम को अपने अटल फैसलों से पलटते नहीं देखा। अनारकली की आजादी शहंशाह की शिकस्त है। ये शिकस्त नहीं, सबूत है इस बात का दुर्जन कि शहंशाह के सीने में एक दर्दमंद इंसान का दिल भी है। आज पहली बार मैं ये महसूस कर रहा हूं कि मैं सिर्फ हिंदुस्तान का वली अहद ही नहीं, एक रहम दिल बाप का बेटा भी हूं। उन्होंने अनारकली को आजाद करके मेरी मोहब्बत पर एहसान किया है दुर्जन। आपकी मोहब्बत पर नहीं साहिब आलम, किसी की बेवफाई पर एहसान किया है। किसकी बेवफाई? इन जंजीरों से पूछिए। हम तुमसे पूछते हैं। आपकी अनारकली की नाजुक कलाइयां कैदखाने की भारी जंजीरों का बोझ नहीं उठा सकी और उसने इनके बदले जिल्लेलाही से सोने के कंगन ले लिए। इसका सबूत? अनारकली की आजादी, इनाम में जागीरें, आज रात जश्न नवरोज में उसका नाच और नाच के बाद महल से हमेशा के लिए रुखसत होने का इकरार। साहिब आलम तशरीफ ला रहे हैं। तुम यहीं ठहरो। आखिरकार अकबर आजम की गर्म निगाहों से वो मोम पिघल गया जिसकी तू बनी हुई थी और उसके साथ तेरी मोहब्बत का वो कागजी जेवर भी जलकर खाक हो गया जिसे तू पहनकर मेरे सामने इतराती फिरती थी। नारकली, जिसे कैदखाने की एक ही कठिन रात के अंधेरे ने खा लिया। अगाबाज खनीज तो अनारकली नहीं, तो उसका नाम चुरा कर कैदखाने से भाग आई है। तो मेरी अनारकली नहीं? हाँ शहजादे, मैं आपकी वो अनारकली नहीं। यकीनन नहीं। अकबर की बुजदिल लौंडी तो सलीम की महबूबा नहीं, तो एक झूठी कसम थी जो मेरा ईमान बदल गई, तो एक शर्मनाक बदनामी का वो दाग थी जो मेरे दामन पर लगा और धुल गया। Thank you.
कोशिश मकुन होशियार बाश मलिके जीशान जीनते तख्ते हिंदुस्तान महारानी जोधाबाद नाजिशे लाहो कलम वलीहदे सल्तनत साहिब आलम शहजादा नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम सजदे में निगाह रहे तमाम होश खिरत पेशे बादशाह रहे जिल्ले लाही शहनशाह आलम पनाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जलवा फरोज होते हैं। इस दर्द को ले
तेरी बेखौफ मोहब्बत, ये रक्स, ये दिलचस्प अंदाज़े बयान यकीनन हमारे इनाम के मुस्ताहिक। सही नसीब, जिल्ले इलाही की फराख दिली से कनीस को यही उम्मीद थी। दरोगा जिंदान, इस बेबाक लौंडी को ले जाओ और कैद खाने के अंधेरों में गर्क कर दो। तुम्हारी मौजूदगी नाफरमानी की दलील है। अनारकली कैद कर ली गई और मैं देखता रहा। और तुम कर भी क्या सकते थे? एक अजीम शान शहनशाह के सामने कोई कर भी क्या सकता है, मगर आज जिल्लेलाही को अपने जुल्म और मेरे जब्त की एक हद मुकर्र करनी होगी। अगर तुम्हारी आरजू एक कनीज है, एक बांदी है, तो सारी जिंदगी इसी तरह जब्त करना होगा। क्या परवरदिगार आलम से आपने मुझे इसीलिए मांगा था कि जिंदगी मुझे मिले और उसके मालिक आप हों, सांसें मेरी हों और दिल की धड़कनों पर आपका कब्जा रहे? जिल्ले इलाही, क्या मेरी जिंदगी आपकी दुआओं का कर्जा है तो मुझे अपने आंसुओं से अदा करना पड़ेगा? तलीम, अनारकली तुम्हारे काबिल नहीं। यूं नहीं, एक लाडले बेटे के बाप बनकर मुझे अपने कलेजे से लगा लीजिए और उन्हीं प्यार भरी नजरों से देखिए जिनसे पहली बार आपने मुझे देखा था। मुझे हिंदुस्तान का शहजादा नहीं, अपना बेटा समझिए और फिर कहिए कि अनारकली मेरे काबिल नहीं। हम एक लाडले बेटे के शफीक बाप जरूर हैं, मगर हम शहनशाह के फर्ज को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम अपने बेटे के धड़कते हुए दिल के लिए हिंदुस्तान की तकदीर नहीं बदल सकते। तकदीरें बदल जाती हैं, जमाना बदल जाता है, मुल्कों की तारीख बदल जाती है, शहनशाह बदल जाते हैं, मगर इस बदलती हुई दुनिया में मोहब्बत जिस इंसान का दामन थाम लेती है वो इंसान नहीं बदलता। मगर तुझे बदलना होगा सलीम, तुझे बदलना होगा। इस बाप का ये मंसूबा हो कि उसके फर्जंद के कदमों में बड़े बड़े बादशाहों के ताज ठोकरें खाएंगे, और जो बादशाह ये सोच रहा हो कि उसके वलीअहद का कदम अनकरीब बड़ी बड़ी हुकूमतों के सीने पर रखा जाएगा, उस बाप ने अपने बेटे को और उस बादशाह ने अपने वलीअहद को एक कनीज के हुस्न की चौखट पर झुका हुआ देखा है। साहिब आलम महाबली के बुलंद इरादों पर अचानक बिजली गिरी है।
और इस सदमे से मुगल नस्ल का तख्त उनकी जानों के नीचे हिल गया है। जब तक वो संभल न जाए जब्त कीजिए। जब्त मैं करूं जिसकी दुनिया वीरान कर दी गई, और जब्त वो न करें जिनके सिर्फ शौक के बाद चाहत को ठेस लगी है। नहीं शहजादे, ये बात नहीं, नहीं ये तुम्हारे महाबली की बादशाही नहीं खुदाई है। वो दिलों पर भी पहरा लगा देना चाहते हैं। क्या मोहब्बत के लिए भी इजाजत और हुक्म का फरमान चाहिए? मेरी नाती को बचाइए साहिब आलम, मेरी नाती को बचाइए साहिब आलम, मेरी नाती को बचाइए साहिब आलम, मेरी नाती को बचाइए, मेरी नाती कैद खाने की दीवारों से सर टकरा टकरा कर जान दे देंगे। वो अगर यूं मर जाएगी तो यह हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं रहेगा। यह हिंदुस्तान एक मकबरा अजीम बन जाएगा। इसमें मौल सल्तनत की लाश दफन होगी, और अगर कैद खाने का दर न खुला तो कैद खाने की दीवारों को गिरना होगा। कैद खाने के भारी दरवाजे तलवारों से नहीं तदबीरों से खुला करते हैं। बाहर कनीज अपने हौसले से मजबूर है। चलो यहां से। कहां? अकबर आजम की बादशाहत से दूर। सलीम की बढ़ती गुस्ताखियों को हिरासत में ले लिया जाए। सलीम, महाबली का सामना एक लौंडे के लिए? नहीं, उसके लिए जो मेरे अहद में मकरूर मुगलों की आबरू और हिंदुस्तान की मलिका बनेगी। हरगिज नहीं। खुद्दार मुगलों की आबरू इतनी हल्की नहीं कि एक नाचीज लौंडे के बराबर तुल जाए। और हमारा हिंदुस्तान कोई तुम्हारा दिल नहीं कि लौंडी जिसकी मलका बने। तो मेरा दिल भी कोई आपका हिंदुस्तान नहीं जिस पर आप हुकूमत करें। तुम्हारे दिल पे हमारा कोई अख्तियार नहीं, लेकिन खुद तुम पर हमारा अधिकार जरूर है। आखिर तुम हमारी औलाद हो। हाँ, मैं आपकी औलाद हूं, मगर मुझ पर जुल्म ढाते हुए आपको जरा यह सोचना चाहिए कि मैं आपके जिगर का टुकड़ा हूं, कोई गैरज या कोई गुलाम नहीं। नहीं सलीम, नहीं। तुम हमारी बरसों की प्रार्थनाओं का फल, हमारी जिंदगी भर का सरमाया हो, हमारे लाड ले। मगर ये राजनीति है, तुम इसमें हमारी ममता को आवाज न दो। हमारी गर्दन में अपनी मोहब्बत की जंजीर डालकर हमें हमारे फर्ज के दायरे से बाहर न खींचो। हमारी जिम्मेदारी और अपने मर्तबे का लिहाज करो। हिंदुस्तान की जान रुसवाई और बदनामी के ग्रहण में ना आओ। अनारकली को अपने दिल से निकाल दो। मैं तुम्हें अपने दूध का वास्ता देती हूँ। आप अपने दूध का मुझसे मुआवजा मांगती हैं? नहीं सलीम, नहीं। तो फिर यूं नहीं? वो आपका दूध जो खून बनकर मेरी रगों में जी रहा है, कहिए तो वो सब आपके कदमों में बहा दूं, मगर मुझसे उसका सूद वसूल न करें। चंदा, तुम जो कुछ कह रहे हो समझ नहीं रहे। समझ रहा हूं। मुझे अपने कीमती हिंदुस्तान में से एक जर्रा तक न दे, मगर अनारकली मुझे भीख में दे। मैं महारानी जोधा के जान और माल का सदका और शहंशाह अकबर की सल्तनत की खैरात मांगता। सलीम, सलीम, ये आंसू जोधा की सारी जान और महाबली की जिंदगी है जो पिघल कर तुम्हारी आंखों से टपक जाना चाहती है। इन आंसू को रोको। अनारकली तुम्हें दी जाएगी। हरगिज नहीं। शहंशाह बाबर के वारिस को बदनामी नहीं बख्शी जाएगी। हमारा हुक्म है सलीम को जंग के मोर्चे पर दकन रवाना कर दिया जाए।
मैदान जंग में तलवार सिपाही के हाथ में दी जाती है, मायूस आशिक के हाथ में नहीं। शाहजादे की जान खतरे में न डाली। एक कनीज के इश्क में सर टकरा टकरा कर जीने से मैदान जंग की मौत बेहतर है। ठहरिए। हमारा सलीम जंग पर नहीं जाएगा। हमारा हुक्म अंधी ममता का मोहताज नहीं, लेकिन सलीम का मोहताज है। महारानी, अगर आज ये देखना है कि शहंशाह का हुक्म ठुकराया भी जा सकता है, तो सलीम को हुक्म सुना के देखिए। उसके दिल में हमारी ये कदर है? सलीम के दिल में अपनी मोहब्बत का अंदाजा उसकी मौजूदा हालत से न लगाइए। ये तूफान आराम से गुजर जाने दीजिए, फिर देखिए सलीम क्या बन जाता है। और ये तूफान किस तरह गुजरेगा? उसे अनारकली दे दीजिए। अनारकली को अपना बनाकर सलीम हमारा बन जाएगा। अपनी औलाद को अपना बनाने के लिए हमें कनीज का एहसान उठाना होगा। औलाद के लिए क्या कुछ नहीं किया जाता? अब मां है, सिर्फ मां। और आप शहंशाह हैं, सिर्फ शहंशाह। बेशक मानसिंह हुक्म की तामील हो। इस फरमाने शाही की रूह से फरजंद अर्जुमंद वलीहद सल्तनत फरोग दूदमान बादशाही व बख्तियारी चराग खानदान शौकत व ताजदारी नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम कल अलसवा शाही महल छोड़ दें और मुस्ताद और तैयार लश्कर जर्रार लेकर दकन की तरफ कूच फरमाएं। लिहाजा वलीहद सल्तनत ले जाओगे तो ये बड़े आजम का वलीहद नहीं। शहजादे, सफदरजंग ड्यूटी पर इंतजार करें। शहजादे, क्या ये नादानी न थी? और अब यूं ही होगा। उधर से अगर सिर्फ हुक्मी हुक्म है तो इधर से भी गुस्ताखी और नाफरमानी होगी। आपको ऐसी नादानी नहीं करने दी जाएगी। ये वक्त हट और झुंझलाहट का नहीं। हट वो कर रहे हैं। वो जानते हैं कि इस वक्त मेरे जख्मों को मरहम की जरूरत थी, फिर भी उन्होंने मेरे लिए नश्तर भेजा। अगर वो समझे कि मुझे अपने रोग दाग से दबा लेंगे तो ये गलत है। अगर साहिब आलम ने उनके हुक्म की तामील न की तो अकबर आजम का जलाल ये तौहीन बर्दाश्त न कर सकेगा और साहिब आलम की जिद अनारकली की मौत का बहाना बन जाएगी। वो ऐसा नहीं कर सकते। वो ऐसा ही करेंगे। अगर आप अनारकली की जिंदगी चाहते हैं तो वो खून के दरिया और फौजों की सफों के पार खड़ी है। बढ़कर फौजों को उलट दीजिए। अगर अनारकली की जिंदगी जंग का सिला है तो मैं जंग के रुख को तो क्या मौत की मजबूत कलाई को भी फेर सकता हूं, मगर इसका जिम्मेदार कौन है कि मेरी गैर हाजिर में अनारकली यहां महफूज रहेगी? इसका जिम्मेदार मैं हूं कि वो मेरी तलवार के साए में यहां महफूज रहेगी। दुर्जन, तुम्हारी तलवार एक है और अकबर आजम की तलवारें लाखों। तो फिर एक राजपूत के वचन पर कट जाने वाले सर भी लाखों हैं शहजादे। इलाही, संतराश हाजिर है। संतराश, हमें यह जानकर खुशी हुई कि तुम्हारे ऐसे फनकार भी हमारी सल्तनत में आबाद हैं। मगर सच तो यह है कि मैं आपकी सल्तनत में बर्बाद हूं। अब नहीं रहोगे। हम तुम्हारे फन की खूबसूरती को मानते हैं और तुम्हें इनाम इकराम से मालामाल करते हैं। फन की खूबसूरती के लिए इनामात बहुत, मगर फन की सच्चाई के लिए बहुत कम। फिर क्या चाहते हो? मैं अपने फन की सच्चाई को सल्तनत के गोशे गोशे में फैलाना चाहता हूं।
तुम्हें इजाजत है। जे किस्मत, जो करम अधूरा था वो जिले लाई की फरागदिली ने पूरा कर दिया। नहीं, अभी पूरा नहीं हुआ। तुम्हारी जिंदगी में एक मुस्कुराती हुई बहार की कमी है। हम तुम्हें इनाम में वो जीती जागती नाजनीन भी अता करते हैं जो तुम्हारे फन को पेश करने का खूबसूरत सहारा बनी थी। यानी? यानी कल अनारकली से तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। लेकिन दिल्ले लाही, क्या ये इनामात कम है? बहुत है, उम्मीद से कहीं ज्यादा। आज मैं जिले इलाही के इंसाफ का कायल हो गया। अब तुम जा सकते हो। शहंशाहों के इंसाफ और जुल्म में किस कदर कम फर्क होता है। शहंशाह का बख्शा हुआ हसीन इनाम पाकर तुम्हें इसी कदर खुश होना चाहिए। खुश? खुशी का इजहार कमजर्फ इंसान किया करते। मैं किसी कम अक्ल की बख्शिशों का मजाक उड़ा रहा हूं। तो गोया तुम्हें शहंशाह के हुक्म और इस बेशकीमत इनाम दोनों से इनकार है? यकीनन। अंजाम जानते हो संतराश? हो सकता है मेरे इस बनाए हुए शाकार की तकमील मेरे ही खून से हो। संतराश, अकबर आजम का हुक्म ठुकरा कर तुमने जिस दिलेरी और सच्चाई का सबूत दिया है, हम उसके लिए तुम्हारे एहसानमंद हैं। साहेब आलम का एहसानमंद होना मेरी सच्चाई का इनाम नहीं। तो फिर तुम क्या चाहते हो? मैं आपकी सच्चाई में अनारकली की छुपी हुई तकदीर देखना चाहता हूं। ज़िले इलाही के हुजूर में साहेब आलम का पैगाम है। आवाज़ बुलंद पाया जाए। बनाम ताजदार हिंदुस्तान शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, मालूम हो कि मैं वली अहद सल्तनत शाहजादा नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम इस इत्तला नामे के जरिए अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान करता हूँ। मेरा मतालबा है कि जिले इलाही अनारकली को मेरी बेगम और हिंदुस्तान की होने वाली मलिका तस्लीम करें, और जिले इलाही ये भी तस्लीम करें कि मैं उसी तैमूरी नस्ल का खुददार शाहजादा हूं जिसके ताजदार मजहब मिल्लत की परवाह किए बगैर अपनी मर्जी की मलिका चुनते आए हैं। लिहाजा मुझे भी अपनी मर्जी की मलिका चुन लेने का हक है और मैं इस हक का इस्तेमाल करता हूं। अगर जिल्ले लाही को मेरे फैसले से इनकार है तो जवानी के खुमार में डूबी हुई इस तहरीर को आखिर तक पढ़ो। नासीज की जबान माजूर है। आज हद अदब मुकर्रर नहीं, बयान हो, बयान हो। अगर जिल्ले लाही को मेरे फैसले से इनकार है तो वो समझ लें कि बगावत हो चुकी। बखुदा जी, हमकी बगावत हमें मंजूर है। वक्त मुहर्रिक से कहो हमारे बागियों की फहरिस्त में एक आशिक का नाम भी लिख ले। मान सिंह काबिला होगा। मैं बदौलत बनफ्स रफी इस जंग में शरीक होंगे।
महारानी भूल गई कि यह रस्म हमेशा उन्हीं के हाथों से अदा होती आई है। जिल्लेलाही, महारानी फरमाती हैं कि वो मजबूर है, साहेब आलम के कत्ल के लिए वो तलवार नहीं दे सकती। पुरानी रस्म बदली नहीं जा सकती, हम तलवार उन्हीं के हाथों से लेंगे। तारीख गवाह है कि हमें बागी का सर काटने वाली तलवार हमेशा आपके हाथों से मिली है। आज भी यह रस्म आपके हाथों अदा होगी। मेरे ही बेटे को कत्ल करने के लिए आप मुझे से तलवार मांग रहे हैं मावली? हम आपके बेटे के लिए नहीं, उस बागी के लिए तलवार मांगते हैं जिसने आपकी मांग से सिंदूर खर्च डालने का ऐलान किया है। क्या आप हमारी हिफाजत और अपनी जीत के लिए हमें तलवार नहीं देंगी? मेरी जीत तो कोई नहीं मावली, मेरी तो दोनों तरह हार है। एक तरफ सुहाग है और एक तरफ औलाद। और ये फैसला आपको अभी करना होगा, औलाद चाहिए या सुहाग। सुहाग की आबरू पर सती हो जाने वाली राजपूत सुहागनों की मलिका रुक क्यों गई? जोशीली और खुददार पाम के सूरमाओं की गैरतमंद बेटी हाथ क्यों कांप रहे हैं? इन हाथों से अकबर आजम की तलवार क्या उठेगी जो अपने सुहाग की चूड़ियों का बोझ तक नहीं उठा सकते? आपने सुहाग की लाली मेरे माथे से मिटा तो दी, लेकिन अब आपको सलीम के खून से ये लाली लगानी होगी। सुहाग की कीमत अगर औलाद का खून है तो लीजिए तलवार और बड़ी खुशी से मेरे बच्चे को कत्ल कर दीजिए। मैं उस तक नहीं करूंगी। जंग के नकारे की पहली चौक उसकी मौत का ऐलान है। महाबली, किसकी मौत? उसकी मौत जिसकी मनहूस मोहब्बत के अंधेरे में सलीम हमारी शक्ल नहीं पहचान सकता। उस अंधेरे को मिटा दो, हमारे और सलीम के दरमियान मंडलाती हुई इस खूबसूरत लागन का जहरीला फल कुचल दो। फरियाद है आपके
कैदखाने का दरवाजा खोल दो, मैं अनारकली को लेने आया हूँ। हम उसे मौत के सिवा किसी को नहीं दे सकते, यह अकबर आजम का हुक्म है। और मुझे उसको जिंदा ले जाना है, ये एक राजपूत का वचन है। तैयार हो चुकी, महाबली का इंतजार है। नस्रुल्लाह फतहुन करीब। प्रजानाम रंजनाद राजा सदेश्वर प्राण पालक सर्वजीवानाम हृदयत्वं विजयी भव। शहंशाह के शहंशाह, तूने इस हकीर बंदे को अपने खजाने से दुनिया की तमाम नेमतें अता की, जहां पनाह अज़ल इलाही कहकर पुकारने वाली आवाजें सुनाई, अब बाप कहकर पुकारने वाली आवाज भी सुनाते हैं। अकबर, तेरे वही हाथ हैं। मान सिंह, जंग शुरू होने से पहले हम सलीम से मिलने जाएंगे। महाबली का इकबाल बुलंद रहे, शहंशाह का बागी शहजादे के खेमे में यूं तनहा जाना मुनासिब नहीं। मगर एक बाप के लिए मुनासिब है। शहंशाह आलम पना तशरीफ ला रहे हैं। क्या ज़िल्लेला ही एक बागी का कसूर बख्शने के लिए तशरीफ लाए? ये बदनसीब बाप से दुनिया शहंशाह कहती है, अपने रूठे हुए बेटे को मनाने आया है, उससे मोहब्बत मांगने आया है। बेटे की मोहब्बत बर्बाद करके मोहब्बत चाहते हैं आप? शहंशाह बाप का भेष बदल कर आया है। शहंशाह रोया नहीं करते शेहू, बाप की आंखों में आंसू है। शेहू, ये गरीब बाप शहंशाह अकबर के उसूलों से मजबूर है। और सलीम अपनी मोहब्बत से। शेहू, शेहू, मोहब्बत दिलों को फर्क कर सकती है, फौजों को नहीं। तुम्हारे जज्बात शहंशाह की बेपनाह ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। इसका फैसला जंग करेगी। सलीम, शहंशाह के फैसले को जंग का इंतजार नहीं, जंग के नकारे की पहली चोब अनारकली की मौत का ऐलान कर देगी। इसी दिन के लिए हमने मांगा था तुम्हें, बेटे की जिद
अगर बाप के सर से पूरी होती है तो बाप हाजिर है। साहेब आलम, या शहंशाह की ताकत ने राजपूत के वचन को हरा दिया। नहीं शहजादे, राजपूत जान हारता है, वचन नहीं हारता। तो फिर अनारकली, सलीम बगैर जंग के कामयाब है, जंग नहीं होगी। जंग होगी। हमारी दुआ है कि मैदान जंग में खुदा तुम्हें जलाल अकबरी से महफूज रखे। तेरी जिंदगी सलीम की बदनसीबी का पैगाम है। से पहले कि अकबरी तलवार का लंबा सांप मौत बनकर तुम्हारे सरों पर छा जाए, इससे पहले कि खाक और खून की आंधी में तुम्हारा नाम और निशान मिट जाए, अनारकली हमारे हवाले कर दो। ये तलवार जिसने बड़े बड़े सूरमाओं का घमंड तोड़ा है, महाफिज है आज न सिर्फ अनारकली की बल्कि मोहब्बत करने वाले उन तमाम इंसानों की जिनके दिल की धड़कनों को किसी शहंशाह की गुलामी मंजूर नहीं। मान सिंह यलगार हो, पुकारता हो, मामला हो, thank you।
जिंदगी को मैदान जंग की गर्द में चुका दो। साहिब आलम अनारकली की जान खतरे में है, अगर आप इजाजत दें तो उसे किसी महफूज मुकाम पर ले जाऊं। सुहाकटी का कहीं मां के दिल का दाग तो नहीं? देखिए ये तलवार, इस पर सलीम के खून की एक बूंद भी नहीं। संसार में शायद तो पहली तलवार है जिसे मां ने कलेजे से लगाया है। मुझे सलीम से मिलाइए। आप उससे नहीं मिल सकती। क्यों? बाप की तलवार ने रहम किया है, लेकिन शहंशाह का इंसाफ अभी बाकी है। मुजरिम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, वरद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, अदालत आलिया में पेश किया जाता है। कार्रवाई शुरू हो। बनाम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, इल्जाम है कि तुमने महल की एक अदना कनीज की खातिर वली अहदी के एजाज को बदनाम किया, शाही अहकाम की तौहीन की, महकमे फौज के मोतमिद और वफादार राजपूत दुर्जन सिंह को गद्दारी पर उकसाया और अनारकली को फरार कराया। तुमने शहंशाह वक्त की फौजों को वरगलाया और बगावत की। ये तमाम इल्जामात वापस लिए जा सकते हैं।
तुम्हारी तमाम नादानियां नाफरमानियां माफ की जा सकती हैं और हम तुम पर एक बार फिर मेहरबान हो सकते हैं अगर तुम अनारकली वापस कर दो ताकि आप उसे सजाए मौत दे दें। यकीनन। तो फिर आदिल शहंशाह को अपनी हुकूमत में उन तड़पते हुए नाफरमान परवानों को भी सजा देनी चाहिए जो क्षमा पर निसार हो जाते, फूलों पर मंडलाते हुए उस भंवरे को भी कैद करना चाहिए जो मोहब्बत के मीठे राग गाता है, नदी के मचलते हुए उस पानी को भी रोक देना चाहिए जो समंदर के आगोश में अपना नामो निशान खो देता है। यह अदालत दीवाने जज्बात में उबलती हुई मोहब्बत की दलीलें सुनना नहीं चाहती, अनारकली चाहती है। और अनारकली को मैं देना नहीं चाहता। तो फिर नस्ले तैमूर के जाहो जलाल की कसम, तुम इस अजीम शान तख्त व ताज से हमेशा के लिए महरूम कर दिए जाओगे। मुझे ये मंजूर है लेकिन वो तख्त मंजूर नहीं जिसके पाए अनारकली के जनाजे पर रखे हूं, वो ताज जिसकी कलकी में खुद मेरा ही दिल पैवस्त हो, मुझे मंजूर नहीं। मालूम हुआ कि तुम अपनी मोहब्बत की आग में मुगलों का ताज पिघलाकर एक रकासा के पैरों की पाजेब बनाना चाहते हो। तुम हिंदुस्तान के मुकद्दस तख्त पर एक हसीन लौंडी को नचाना चाहते हो और तुम और आप इस भरे दरबार में अपनी होने वाली बहू को जलील करना चाहते हैं। खामोश। अगर आज शहंशाह इंसाफ के पर्दे में अपनी शिकस्त का इंतकाम ही लेना चाहता है तो उसे अनारकली नहीं मिलेगी, उसे अपने बेटे की जान लेनी होगी। इंसाफ हमें बेटे से ज्यादा अजीज है। मुल्जिम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, तुमने हमारी रियायत और रहमदिली का नाजायज फायदा उठाया और अनारकली को अदालत के रूबरू हाजिर करने से इनकार किया, लिहाजा मां बदौलत मुजरिमा अनारकली की सजा बरकरार रखते हुए अनारकली के बदले तुम्हें सजाए मौत देनी। कोई हमारे रहम और दरियादिली को आवाज न दे। एक तंग दिल शहंशाह मौत से ज्यादा किसी को दे भी क्या सकता है। जब मुअर्रख सलीम के खून से अनारकली और उसकी मोहब्बत की तारीख लिखेगा तो उसमें शहंशाह अकबर की मौत पहले होगी। खबर लाए हो? ऐलान किया गया है कि अकबर आजम के हुक्म से कल सुबह अनारकली के बदले में साहिब आलम को सजाए मौत दे दी जाएगी। जब तक गुर्जर के हाथ में तलवार उठाने की ताकत है मौत साहिब आलम के करीब नहीं आ सकती। कहां जा रहे हो? अकबर आजम के सामने। मगर तुम जख्मी हो। मेरा जिस्म जरूर जख्मी है लेकिन मेरी हिम्मत जख्मी नहीं। हट जा।
के बेटे के चेहरे पर खौफ की झलक है। बिल्कुल नहीं, मुझे अपने खून पे पूरा विश्वास है। मैं अपने लाल को बधाई देने आई हूं। राजपूत सुरमाओं का ब्याह मौत से भी होता है। हर माँ के सीने में महारानी जोधा का दिल होता। तारीखी दिन अकबर आजम की शिकस्त और मोहब्बत की फतह का दिन है। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं और उन शहीदों की मांओं को मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने सच्चाई और मोहब्बत की खातिर अपनी जानें कुर्बान कर दी। ये मेरी आखिरी इल्तिजा है, दुनिया में दिल वाले का साथ देना, दौलत वाले का नहीं। साहिबे आलम, वफा की राह में आशिक की ईद होती है। खुशी मनाओ, मोहब्बत शहीद होती है। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत, जिंदाबाद मोहब्बत, जिंदाबाद 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 ऐ मोहब्बत, जिंदाबाद। दौलत की जंजीरों से तू, दौलत की जंजीरों से तू रहती है आजाद। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत, जिंदाबाद मोहब्बत, जिंदाबाद। मंदिर में मस्जिद में तू और तू ही है ईमानों में, मुरली की तानों में तू और तू ही है आजानों में। तेरे दम से दीन धर्म की दुनिया जिंदाबाद है मोहब्बत, जिंदाबाद। प्यार
की आंधी रुक न सकेगी नफरत की दीवारों से, खूने मोहब्बत हो न सकेगा खंजर से तलवारों से। मर जाते हैं आशिक जिंदा रह जाती है यार, जिंदाबाद जिंदाबाद है मोहब्बत जिंदाबाद है मोहब्बत जिंदाबाद। लगा दे महलों में और तख्ते शाही छोड़ दे, सीना ताने मौत से खेले कुछ न करे पर यार, जिंदाबाद 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 है मोहब्बत जिंदाबाद है मोहब्बत महाबली, हुक्म आली हो तो साहेब आलम को रिहा कर दिया जाए। अनारकली की मौत के बाद वो जिंदा है, वो जिंदा है। खूबसूरत आंधी को, इस रंगीन फितने को और जिंदा दीवार में चुनवा दो। जहां बना के इकबाल का सूरज हमेशा चमकता रहे, मेरे साहिब आलम की उम्र चांद सितारों से भी लंबी हो। मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे सब कुछ मिल गया। अनारकली, दस्तूर है कि मरने वाले की आखिरी आरजू पूरी की जाती है, अगर कोई आरजू हो
तो महाबली के हुजूर में अर्ज करो। कनीज की आरज़ू ज़िल्लाही के अख्तियार में नहीं। हमारे रहम करम का दायरा इतना तंग नहीं जिसमें कनीज की आखिरी आरज़ू भी न समा सके। बयान कर। मरने से पहले कनीज मलिका बनना चाहती है। अंजाम कार, तेरे लबों पर आज तेरे दिल की आरज़ू आ ही गई। मौत की डरावनी रात में भी तू हिंदुस्तान की मलिका बनने के सुनहरी ख्वाब को नहीं भूल सकी। कनीज की मजबूरी को आरज़ू न समझिए ज़िल्लेलाही। साहिब आलम ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे अपनी मलिका बनाएंगे। मैं नहीं चाहती कि उनका वादा छूटा और हिंदुस्तान का होने वाला बादशाह जिंदगी भर एक अदना कनीज से शर्मिंदा रहे। हम हिंदुस्तान के होने वाले बादशाह को शर्मिंदा नहीं होने देंगे। मान सिंह, सलीम को रिहा कर दिया जाए। सुबह होने से पहले बेहोशी की दवा में बसा हुआ ये फूल तुझे सलीम को सुंघाना होगा ताकि वो तेरी मौत से नाशना हो जाए, तुझे भूल जाए और हमारे पहरेदार तुझे बेहोश आशिक के पहलू से उठाकर मौत की आगोश में गुम कर दे। मौत मोहब्बत से करीब हो गई, ऐसा ही होगा। अगर ऐसा न हुआ तो सलीम तुझे मरने नहीं देगा और हम अनारकली तुझे जीने नहीं देंगे। कनीज तो कब की मर चुकी। अब जनाजे को रुखसत की इजाजत दीजिए। शहंशाह की इन बेहिसाब बख्शिशों के बदले में ये कनीज जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को अपना खून माफ करती है। Thank you.
ऐसा क्यों किया तुमने? ये खूबसूरत हाथ, क्या इन्होंने मोहब्बत का दामन छोड़ दिया नरकली? क्या ये मुझसे वफाई कर सकते हैं? सलीम से मुंह फेरो नरकली, मुझे तो आशा बताओ क्या तुम मुझसे बेवफाई कर सकती हो? बताओ क्या तुम मुझसे बेवफाई कर सकती हो? नहीं शहजाद, अनारकली अपनी जिंदगी से बेवफाई कर सकती है, आपसे नहीं। जिंदगी से? कौन है जो तुम्हें जिंदगी से महरूम कर देना चाहता है? कोई नहीं। क्या मेरे होश हवास इसीलिए छीन लिए गए कि तुम मुझसे जुदा कर दी जाओ? तकदीर का यही फैसला है। तकदीर को फैसला बदलना होगा। अनारकली, मैं देख रहा हूं ये रेंगते हुए साए, ये बड़े आजम के बुज़दिल गुलाम जो तुम्हें लेने आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं। सामने आओ अनारकली, मेरी है, इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता।
बच्ची, मेरी बेटी, मेरी नादिरा, मेरी नादिरा। इंसाफ के इस मुकद्दस तराजू की कसम, अकबर से जिंदगी में एक बार जो मांगोगी अता किया जाएगा। बेअदब क्या चाहती है? अपनी बेटी की जिंदगी। मालूम होता है बदहवासी ने तुझे अंधा कर दिया है, हमारे इंसाफ और कानून को नहीं पहचानती। अपनी दी हुई इस निशानी को पहचानिए जिल्लेदारी। याद कीजिए, आपने मुझसे वादा किया था कि अकबर से जिंदगी में एक बार जो जी चाहे मांग लेना। आज मैं आपसे अनारकली की जिंदगी मांगती हूँ। हमें कुछ याद नहीं। याद नहीं, मगर इंसाफ परवर बादशाह तो कभी अपने कौल से नहीं फिरते। कह दिया, हमें कुछ याद नहीं। आप अपना वादा भूल सकते हैं, लेकिन वो शहंशाहों का शहंशाह जिसने आपको शहंशाह बनाया है, वो अपनी गरीब मखलूक को कभी नहीं भूलता। हश्र के दिन उसकी अदालत में मेरा हाथ होगा और आपको गिरेगा। वहां मेरे साथ ना इंसाफी नहीं होगी, इंसाफ ले जा इसे। मेरी बच्ची, जिंदा-ए-इलाही, जिंदा-ए-इलाही, मेरी बच्ची। सल्तनत की सरहदों के पार ले जाएगी और ये राज कि अनारकली जिंदा है, तुम्हें राज रखना होगा ताकि सलीम जिंदगी भर ये समझता रहे कि उसकी अनारकली मर चुकी। ऐसा ही होगा, इसे जिंदगी देकर शहंशाह ने अपने इंसाफ को जिंदगी दी। अनारकली कदम बोसे के लिए झुक जा। अनारकली
जब तक ये दुनिया कायम रहेगी तुम लफ्ज़े मोहब्बत की आबरू बनकर जिंदा रहोगी और मुगलों की तारीख तुम्हारा यह एहसान याद रखेगी कि तुमने बाबर और हुमायूं की नस्ल को नई जिंदगी दी। लेकिन हम तुम्हें गुमनाम जिंदगी के सिवा कुछ नहीं दे सकते। हम मजबूर हैं, बखुदा हम मोहब्बत के दुश्मन नहीं, अपने उसूलों के गुलाम हैं। एक गुलाम की बेबसी पर गौर करो कि तो शायद तुम हमें माफ कर सको। जिल्ले-इलाही तुमसे मुखातिब है, जाओ इसे ले जाओ। चाहने वाले शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने अनारकली को जिंदगी बख्श दी और दुनिया की नजरों में जुल्म और बेरहमी का दाग अपने दामन पर ले लिया। मैं उस शहंशाह के इंसाफ की यादगार हूं जिसे दुनिया मुगल आजम के नाम से याद करती है। प्यार किया तो